जी हिंदुस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले टिकैत आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी कर रही है साजिश। हर हाल में मनाएंगे काला दिवस, कानून वापसी तक नहीं छोड़ेंगे बॉर्डर। ब्लैक डे को लेकर आंदोलन, जीवियों की नई साजिश। चेकिंग से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों से दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं किसान। अमृतसर में तैयार किए जा रहे काले झंडे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे धरने को कल 6 महीने होंगे पूरे। इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे किसान। आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान की हो रही है बैठक। किसान गुरिल्ला ब्लैक प्रोटेस्ट की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। काला दिवस की तैयारी में जुटे किसान नेता। कोरोना के डर से ऑनलाइन जूम ऐप पर चल रही है मीटिंग। कृषि कानून के खिलाफ कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज। अमृतसर में घरों में तैयार हो रहे भारी मात्रा में काले झंडे। कृषि कानूनों के विरोध में कल सड़कों पर उतरेंगे किसान। किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों पर लगाएंगे काले झंडे। कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा के लिए कर रहे हैं कूच। ग्रामीण इलाकों से अंदर ही अंदर आ रहे हैं किसान। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। बाढ़ में फंसी 91 साल की महिला को कंधे के सहारे से किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल में दिखने लगा यास तूफान का असर। दक्षिण 24 परगना में उफान पर मूरी गंगा नदी लगातार बढ़ रहा जलस्तर। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है। यास तूफान के खतरे से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 45 टीमें तैनात। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हुई यास तूफान की आहट। पूरे शहर में रुक रुक कर सुबह से हो रही है बारिश। ओडिशा के चांदीपुर में मरीन पुलिस के साथ मिलकर प्रशासन लोगों को लाउडस्पीकर से कर रहा आगाह। मधुवारों के गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा। केंद्रपाड़ा के तलौचा में यास तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तैयारियां जोरों पर। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जगह जगह नावों को लगाया जा रहा है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा के यास तूफान के खतरे से निपटने की तैयारी। एनडीआरएफ की टीम गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ओडिशा के चांदपुरी में भी यास तूफान का अलर्ट। ओडिशा समेत 3 राज्यों में बना हुआ है खतरा। कल दोपहर तक तट से टकराने का अनुमान। आंध्र प्रदेश में भी यास को लेकर बड़ा अलर्ट है। राजधानी अमरावती में सिंचाई मंत्री पी अनिल कुमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं स्थिति से निपटने को लेकर तैयारियां भी देखी गई। ओडिशा के जगतसिंहपुर में यास तूफान को लेकर लोगों में डर। आपदा से पहले ही बचाव के लिए साइक्लोन सेंटर में आने लगे हैं गांव वाले। टोक्यो के बाद चक्रवाती तूफान यास की दस्तक। तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी। चक्रवात यास के अगले 24 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे भी हुआ सतर्क। प्रभावित होने वाले इलाकों को जोड़ने वाली करीब 90 ट्रेनें की रद्द गई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में यास का असर दिखना शुरू। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी। पूर्वी मिदनापुर में एनडीआरएफ की 5 और दीघा में 2 टीमों की तैनाती। यास तूफान को लेकर झारखंड में अलर्ट। एनडीआरएफ की 9 बटालियन को रखा गया अलर्ट मोड पर। तूफान की वजह से झारखंड में आज से 28 तक मूसलाधार बारिश के आसार। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास चित्रकोणा थाना इलाके के सुलेरू नदी के नाव पलटने से 8 प्रवासी डूबे हैं। एक का शव बरामद हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू। पैनासिया बायोटेक का दावा, हर साल 10 करोड़ डोजेस का होगा प्रोडक्शन। स्वामी रावते ने आईएमए और फार्मा कंपनियों को लिखा है खुला पत्र। पूछे तीखे सवाल, कहा एलोपैथी सर्वशक्तिमान नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। दूसरी लहर को बचाया चाइना का वायरल वॉर, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की साजिश। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,821 नए मामले आए सामने। 196 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,187 नए केस आए सामने, जबकि 45 लोगों की मौत। असम में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,221 नए मामले, 84 की मौत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एनसीपी एमएलए और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कोविड सेंटर में मराठी गाने पर किया डांस। कोरोना मरीजों का किया मनोरंजन। यूपी के मुरादाबाद में अंडों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी। 90 की जगह 175 रुपए हुए एक ट्रे के दाम। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग जमकर ले रहे हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए अंडे। बिहार में कैमूर जिले की खजुरा पंचायत में कोरोना से 1 महीने में 50 लोगों की मौत। गांव वालों ने कोविड जांच नहीं होने पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तराखंड के धारचूला में रोका गया वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कमी के चलते रुका टीकाकरण। सेंटर्स पर पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते रुका टीकाकरण। कुछ लोगों की दूसरी डोज की निकल गई है तारीख। जम्मू में किसानों ने पेश किया जागरूकता का अनूठा उदाहरण। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन की मदद कर रहा किसानों का एक ग्रुप।
कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के उधमपुर से व्यापारियों के लिए राहत की खबर, बांस की टोकरी बनाने वालों की जमकर हो रही बिक्री। हिंदुस्तान की मुहिम राई रंग, पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। आज मिर्जापुर का दौरा करेंगे सीएम योगी, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना के कहर से निपटने के लिए यूपी सरकार ने नया प्लान बनाया है, ब्लैक फंगस और कोरोना से सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए नोएडा में शुरू की गई है ओपीडी। मेरठ में तेजी के साथ पैर पसार रहा ब्लैक फंगस, 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 20 नए केस मिले, मेरठ में अब तक 129 केस मिल चुके हैं, 10 मरीजों की हो चुकी है मौत। हाईकोर्ट पहुंचा गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दाखिल की याचिका, गाजियाबाद प्रशासन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप। कोरोना संक्रमित समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबियत बिगड़ी, फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाए जाने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। मानवाधिकार आयोग पहुंचा कोटा हाई अस्पताल का, पानी के इंजेक्शन से हुई मौत का मामला। कोरोना के चलते लॉकडाउन से एमपी में भोपाल के मछली व्यापारी परेशान, बिक्री नहीं होने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट। राजस्थान में कोरोना को लेकर बड़ी राहत मिली है, एक दिन में महज 4114 नए मामले सामने आए हैं, 103 लोगों की मौत हो गई। पंजाब हरियाणा हिमाचल में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए केस, 24 घंटे में पंजाब में 4539 नए केस। एमपी के रतलाम में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, बच्चों में संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का बनाया गया पार्क। कोरोना संक्रमण का सूंघ कर पता लगा सकते हैं स्निफर डॉग, 94% एक्यूरेसी रेट, एक्सपर्ट्स का दावा, इंसानों को सूंघ कर आसानी से लगा सकते हैं पता। आईसीबीआई डायरेक्टर की जल्द हो सकती है नियुक्ति, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में 3 नामों पर चर्चा, यूपी के डीजीपी का नाम भी शामिल। महाराष्ट्र एटीएस के नए चीफ बने विनीत अग्रवाल, 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं विनीत अग्रवाल। टूलकिट मामले में ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का छापा, कांग्रेस ने उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी ने बताया लोकतांत्रिक। सोशल मीडिया कंपनियों को गाइडलाइन बनाने की डेडलाइन का आज आखिरी दिन, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ने आज तक नहीं दिया कोई जवाब, केवल कू ने किया है नियमों का पालन। हरियाणा के रोहतक में अग्रसेन स्टेडियम में पहलवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, मौके पर हुई मौत, 2 बाइक सवारों ने वारदात को दिया अंजाम। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी लापता, छानबीन में जुटी एंटीगुआ पुलिस, चौकसी के वकील ने न्यूज एजेंसी एनआई को दी जानकारी। नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच कोर्ट पहुंचा विपक्ष, संसद के निचले सदन की फिर से बहाली की मांग। पूरे देश में एक साथ लागू होंगे हॉलमार्किंग के नियम, अब 15 जून से देश में हॉलमार्किंग ज्वेलरी होगी अनिवार्य। लॉकडाउन के बीच टाटा ने दी ग्राहकों को राहत, गाड़ियों पर बढ़ाई फ्री सर्विस और वारंटी की डेडलाइन। हुंडई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, 2 महीने तक बढ़ी फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा। ओप्पो इंडिया के रचा इतिहास, पहली तिमाही में 300% की ग्रोथ। इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए मुंबई पहुंचे रविंद्र जडेजा, जडेजा ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर साझा की। बल्लेबाज लोकेश राहुल का स्वास्थ्य बेहतर, उम्मीद है कि वो 2 जून को टीम के साथ इंग्लैंड हो सकते हैं रवाना। शानदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर छलका उनाकुट का दर्द, इंग्लैंड सीरीज में चुने जाने की उम्मीद, टीम में जगह नहीं मिलने से निराश। रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ियों को मुआवजे का इंतजार, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दी सफाई, कोविड की वजह से रद्द हुई थी रणजी ट्रॉफी। पूर्व तेज गेंदबाज एल बालाजी ने कहा, पहले युवा खिलाड़ी विराट और धोनी बनना चाहते थे, अब बुमराह और शमी बनना चाहते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मार्क टेलर का बड़ा बयान, स्मिथ का फिर से कप्तान बनना मुश्किल, पीछे नहीं छोड़ेगी बॉल टेम्परिंग केस। आईपीएल स्थगित होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे, मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की यूनियन सीरीज। प्रमोशन डांस के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर राघव ज्वाल कोरोना काल में कर रहे मदद, चमोली में कोरोना प्रभावितों के लिए राहत किट बांटी गई। महारानी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी वेब सीरीज और फिल्में। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई नोरा फतेही, ऑल ब्लैक ड्रेस में दिखा ग्लैमरस लुक। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, तस्वीर में शाहिद दिख रहे हैं बेहद चार्मिंग। स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज बनी मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन जल्द, फैंस में उत्सुकता, प्रोफेसर और उनके गैंग का आखिर क्या हुआ। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को लेकर नहीं थम रहा बवाल, सीरीज पर बैन लगाने की हो रही है मांग। हंगामा 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, मीनाल जाफरी और तमाम लोग शामिल। दुनिया भर में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 4,40,000 लोग कोरोना संक्रमित, 8,817 मौतें। हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इजरायली पुलिस ने किया ऐलान, इजरायल में रहने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनियों को कर सकती है गिरफ्तार। अमेरिका में आज जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की पहली बरसी मनाई जा रही, पिछले साल 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में विरोध की लहर उठ गई। WHO प्रमुख ने कोरोना रोधी टीकों पर
पेटेंट छूट की पहल की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका का जताया आभार। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू, क्वालिटी चेक के लिए रूस जाएगी टीके का पहला बैच। भारत में अधिक वैक्सीन के लिए अमेरिका पहुंचे जय शंकर, बाइडेन के कैबिनेट के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भेजा नौसेना का बेड़ा। चीन में कोरोना फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे शोधकर्ता, वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए मांगी थी मदद। कोरोना वायरस विवाद पर चीन ने वुहान लैब में शोधकर्ताओं के बीमार पड़ने वाली रिपोर्ट का किया खंडन, कहा अमेरिका रच रहा साजिश। अमेरिकी राजनयिकों के दिमाग पर हो रहे माइक्रोवेव से हमले, मचा हड़कंप, बड़ा कदम उठा सकते हैं भाई। चीन में मैराथन दौड़ में 21 धावकों की मौत, 172 धावकों ने लिया था हिस्सा, मौसम खराब होने से धावकों की गई जान। चीन की सबसे बड़ी मस्जिद के पूर्व इमाम को 15 वर्ष की सजा, उइगर मुस्लिमों पर जहाय था जुर्म। इसराइल में सेना के एक और जवान पर चाकू से हमला, यरूशलम में एक आतंकी ने किया मौत, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पुल में मस्ती कर रहे दोस्तों के बीच हो गया हादसा, स्विमिंग बॉल की जगह दोस्त के मुंह पर किक मारी। पिलर पर डॉग की जंपिंग का वीडियो वायरल, लिटिल डॉग का जंपिंग बैलेंस देख आप भी हो जाएंगे हैरान। कीचड़ में कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है, एक्सीलेटर से कमांड छूटा और जा गिरा मुंह के बल। बार में युवक को हीरोगिरी महंगी पड़ गई, काउंटर से जंप करने के चक्कर में गिरा मुंह के बल और हो गई फजीहत। जरा संभल कर, रस्सी के साथ मस्ती पड़ी भारी, रोप राइडिंग कर रही महिला का बैलेंस बिगड़ा और जागरी खाई। पहाड़ पर साइकिल चलाना नहीं आसान, कच्चे रास्ते पर फंसी साइकिल और खिलाड़ी जागिरा खाई। बारिश में सड़क पार कर रहा शख्स हुआ धोखे का शिकार, संभल कर चलने के बावजूद जागिरा पानी से भरेगा ड्रिप। लड़कियों को नाव पर मस्ती करनी पड़ी भारी, जर्जर नाव पर बैलेंस बिगड़ा और 3 जागिरी तालाब। ऑफिस में सोना नहीं चाहिए, कंप्यूटर के पास नींद लेती महिला को साथी कर्मचारियों ने ताली बजाकर जगाया, बनी हंसी का पात्र। स्विमिंग पूल की रेलिंग पर योगा पड़ा महंगा, आसन करते हुए संतुलन बिगड़ने से पूल में गिरी महिला।